सो हे गाइस, स्वागत आपका एक फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे आरबीएल बैंक को लेकर। आरबीएल बैंक में आप लोग देखोगे आज हमें जो अभी एक बिग फॉल दिखाई दे रहा है, 13% के करीब क्रैश हो गया है। दूसरी तरफ आप लोग देखोगे आरबीएल बैंक के साथ साथ जो HDFC बैंक है उसमें हमें तेजी देखने को मिल रही है, और कोटक महिंद्रा बैंक में भी गिरावट है। तो कोटक महिंद्रा बैंक और जो आरबीएल बैंक है, या फिर आप लोग देखोगे यूको बैंक है एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, आप पंजाब सिंध बैंक आपने देखा होगा, और क्या बोलते हैं भाई ये जो आरबीएल है, तो इन बैंक्स के हमें वीकेंड में रिजल्ट्स आते हुए नज़र आए थे। और रिजल्ट्स किस प्रकार के आए हैं, उनका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, वो मैंने आपको बताया अभी। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो एक अलग बात है, इस वीडियो में आपको बताएंगे अभी इसके रिजल्ट्स कैसे थे, आखिरकार उसकी वजह से क्यों इम्पैक्ट आया। ठीक है, तो स्टॉक जो अभी पहुंच चुका है 52 वीक लो के ऊपर, इसमें बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है अपने हाई प्राइस से। तो ठीक है, आज ही स्टॉक 13% क्रैश हो गए, तो और भी बहुत से स्टॉक्स जिनमें गिरावट है, सिर्फ HDFC बैंक, यूको बैंक और आप लोग देखोगे पंजाब सिंध बैंक, ये तेजी में है। आरबीएल बैंक और जो कोटक सिक्योरिटी बैंक है इनमें गिरावट है, कोटक महिंद्रा बैंक में गिरावट है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भी सबसे पहले रीज़न गिरावट के पीछे का, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इसके जो रिजल्ट्स है, देखो भी रिवेन्यू के मामले में ठीक है, रिवेन्यू इसका अच्छा हुआ है प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले, ईयर टू ईयर एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रिवेन्यू में ग्रोथ है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी आपको जो अभी इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, देख सकते हो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में भी जंप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में सॉरी। इसके अलावा कहाँ पर मार खाया है इसने, मार खाया है नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट पीछे के मुकाबले आप लोग देखोगे 371 करोड़ से टूटकर 222 करोड़ पर आया है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी 294 करोड़ से टूटकर 222 करोड़, यानी कि प्रॉफिट्स टूटे हैं इसके, और वह भी काफ़ी अच्छी गैप्स के साथ। ठीक है, इसके अलावा और क्या देखने को मिला अभी नेगेटिव, जिसकी वजह से स्टॉक के ऊपर दबाव रहा है, सबसे बड़ा रीजन तो वही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देखो, मैंने कई बार पहले भी आपको बताया कि बाजार को कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट होता है इन कंपनियों से या फिर बैंक से जो मार्केट में लिस्ट है, भी रिजल्ट्स ऐसे आने चाहिए। अगर उस प्रकार के रिजल्ट्स कंपनियां बैंक्स नहीं दे पाती हैं तो उसका तो इम्पैक्ट आएगा भी नेगेटिव। तो यहाँ पर सेम यही कंडीशन हुई, तो यहाँ पर जिस प्रकार के इससे रिजल्ट्स की उम्मीद थी वो यहाँ पर मिस हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो भी एस्टिमेटेड अर्निंग्स थी इसकी, ठीक है, EPS था वो यहाँ पर जो अभी आप लोग एक्सपेक्टेड क्या था, 5 रुपये 5 पैसे का, आया कितना 3.63, यानी कि लगभग 28% डाउन गया है ना। तो 28% अगर मिस से जो भी टूटेगा, जो भी एक्सपेक्ट उससे जाएगा नीचे मिस होएगा, तो इम्पैक्ट को नेगेटिव बनेगा भाई। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है, प्रॉफिट टूटा ये पहला, दूसरा ये एस्टिमेटेड अर्निंग्स को बीट नहीं कर पाया, ये दूसरा बड़ा कारण है। और इसके अलावा रिवेन्यू तो आपने देखे होंगे, रिवेन्यू तो ठीक है, जो इंटरेस्ट इनकम वगैरह है वो इसकी ठीक रही है, ये तो इंक्रीज हुई है, बट इसका अकेले का इम्पैक्ट नहीं रहने वाला था। अगर दोनों चीज़ें सही होती तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता, पॉजिटिव स्टॉक चला जाता, लेकिन अभी के टाइम तो गिरावट है सिर्फ सिर्फ इसी वजह से। ठीक है, चलिए एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं अभी और कितना ये क्रैश हो सकता है नीचे में। तो अभी के टाइम आप लोग भी इस गिरावट के बाद हमें जो अभी दो सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पहला जो सपोर्ट रहेगा अभी लगभग 165 रुपये का, आज फिलहाल 179 रुपये के आसपास शेयर है, तो 165 का पहला सपोर्ट, दूसरा रहेगा अभी 165 को काटा नीचे में तो 138 का दूसरा सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो हाल फिलहाल ये सपोर्ट अभी, इसके अलावा इस बैंक में कुछ अच्छा पॉजिटिव खबरें आती हैं तो उसका बेशक इसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट आ जाए, बट अभी के टाइम तो बिल्कुल ये नेगेटिव ही चल रहा है। अभी देखोगे बियरिश मोड में है, गिरावट ऊपर से बन रही है शेयर में, प्लस आप लोग देखोगे इसका जो 100 MA 50 SMA उन सबसे भी नीचे में स्टॉक चला गया है, यानी कि कम्प्लीटली बियरिश मोड में आ चुका अभी है। 211 229 ये इसके ऊपर में 100 और 50 SMA है, ठीक है, वहाँ से जो अभी नीचे चला गया है ये, और ट्रेंड लाइन को भी नॉन स्टॉप काट रहा है नीचे में। तो बस यही रीजन्स रहे हैं अभी गिरावट के पीछे। अभी के टाइम 165 का सपोर्ट है अभी अगर आपके पास है तो, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने चूज किया है इसको 1-2 साल 3 साल के लिए, वो एक अलग बात है भाई आपकी। GDP ग्रोथ तो अच्छी हो ही रही है, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, उसका कोई जो भी दराय नहीं है, 1-2 साल 3 साल के लिए अगर आपने सोचा है तो। अदरवाइज शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए सोच रहे हो तो 165 का सपोर्ट है, कटा नीचे में तो 140 तक के लेवल स्टॉक दिखा सकता है नीचे में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।